नीचे वाला ये जो होता है ना, ये डायफ्राम, ये संयोजी उत्तक का बना होता है। ये उत्तक चैप्टर में पढ़िएगा उत्तक कितने प्रकार के हैं। तो ये डायफ्राम मदद करता है। कैसे मदद करता है? तो देखिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे होके एकदम बराबर हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो हम लोग सांस ले लेते हैं, सांस चलाता है, डायफ्राम कहाँ आ जाता है? नीचे। और जब हमें सांस छोड़ना होता है तो फेफड़े के पास इतनी ताकत नहीं है कि सांस को छोड़ सके। याद रखिएगा, सांस छोड़ने के लिए डायफ्राम मदद करता है। फेफड़ा कहता है डायफ्राम को, ए भाई ढकेल ना, ढकेल ढकेल ढकेल। तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे से ढकेलता है, ऐसे फेफड़ा उठता है, सारा सांस बाहर चल जाता है ऐसे। अब जरा सोचिए तो, अगर सांस ले ले आदमी, डायफ्राम कहे कि ना आज हम घुसे आए हैं, काम ही नहीं करेंगे, तो इसे सांस वाले लिए निकलिए नहीं रहा है, तो कैसे निकालिएगा? निकल नहीं निकलेगा। सबसे मेन जरूरी होता है डायफ्राम। तो जैसे हम सांस लेते हैं, डायफ्राम कहाँ चला जाता है? नीचे। छोड़ना होता है तो ऊपर चलाता है, समझ में आया? अब यहाँ दो क्वेश्चन होता है। कभी कभी आप देखे होंगे किसी किसी का एक्सीडेंट होता है, छुसुरा ना हाथ टूटा ना पैर टूटा, अब मरियो गया हो। होता क्या, कभी कभी चोट लग गया, ऐसे मान लीजिए बाइक चला रहे एक्सीडेंट हो गया यहीं पे, और डायफ्राम में टूट गया। अब डायफ्राम जो होता है ये तो मांस का होता है, ये इसमें चोट लग गया, ये काम करना छोड़ दिया। बस देखिएगा, ऐसे गिरा के मरेगा आदमी, फिल्म विल्म में ना बिल्डिंग से गिरेगा, डायफ्राम टूट गया करके मर जाएगा। टूटे उठेगा नहीं, डायफ्राम गया यहाँ पे। तो बहुत मदद करता है, 70% मदद करता है डायफ्राम सांस लेने। किसी कोई दिक्कत? अब एक और चीज समझते हैं हम, कि खाना खाते वक्त हिचकी का याद नहीं रखता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसे ये जो हम लोग का मुंह है, इसको फायरिंग्स कहिए, ये जो फायरिंग्स है ना, हल्लक हल्लक फायरिंग्स, वो एक ही होता है फायरिंग्स। अब यहाँ समझिए, अगर इधर से गया तो ये खाने की नली है, और उधर से गया तो ये एयर यानी सांस की नली है, इधर यानी ये फूड की नली है। अब ध्यान दीजिए, रास्ता तो एक के है, इधर मुड़ गया तो फेफड़ा में घुस जाएगा, इधर मुड़ गया तो हवा खाना में चलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यही सबसे बड़का काम करता है ये एपिग्लोटिक्स। ये जो है ना, ये एपिग्लोटिक्स ये चौराहा का पुलिस का काम करता है। ये तो इधर जाओ, तुम इधर जाओ, इसे कह देगा क्या, ए खाना तुम इधर चल जाओ, तो खाना इधर चल जाएगा। नहीं, वो रास्ते बंद कर देता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो समझ जाता है, अरे खाना खाया खाना खाया, तुरंत एपिग्लोटिक्स इधर घूम जाता है। अब जरा देखिए, अगर ये इधर घूम जाएगा तो उधर का रास्ता तो बंद हो गया, घूम के उसके मुंह पे खड़ा हो जाएगा, बंद हो गया। अब खाना किधर चला जाएगा? चुपचाप चला जाएगा पेट में, समझ में आया? और जब हम सांस लेते हैं तो तुरंत घूम के इधर आ जाता है, तो मुंह खाना वाली नली बंद हो जाती है, फेफड़ा में चला गया। यही काम करता है एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है? कभी हम लोग थोड़ी कंट्रोल करते हैं। अब कैसे एपिग्लोटिस यहाँ होता है गले में, कभी सुने हैं कैसे कभी कंट्रोल किए एपिग्लोटिस? खाना खा रहे हैं, इसको पेट में जाना चाहिए, दहीने घूम जाओ, तो इधर घूमो इधर घूमो, हाँ खाना गया, अब सांस लेने वाले इधर घूम जाओ, हाँ इधर घूमो, सांस चला गया। ऐसे थोड़ी होता है, ये सारा का सारा काम ब्रेन कर देता है। ब्रेन समझ जाता है, खाया है, जैसे खाना खाएंगे तुरंत दहीने घूम दहीने घूम, जैसे खाना खाएंगे दहीने घूमेगा, खाना चला गया इधर, अब सांस लेंगे तो ये बाएं चलाएगा, इस साइड चलाएगा, हवा चले जाएगा इधर। कभी कभी हम लोग खाना खाते समय ना बात करने लगते हैं, या दूसरे किसी को याद करने लगते हैं, किसी के ख्याल में खो जाएंगे या खाना खाएंगे। ले अब एपिग्लोटिक्स कह रहा है ब्रेन से, गिरे बकलोलवा, ये जो आ रहा है मुंह के रास्ते, ये खाना आ रहा है कि हवा आ रहा है, बताएगा कुछ हम किधर घूमे? अब ब्रेन तो किसी के याद में खोया है, ससुरा को क्या समझ में आया? एपिग्लोटिक्स कहता है दूर ससुरा तू नहीं, अब वो घूम जाता है इधर, बाएं घूम गया, मान लीजिए घूम गया किधर, बाएं। अब आप खा रहे थे खाना, और खाना चला गया किधर वाले में, एयर वाले में, घूमना खाना जब खा रहे थे तो एपिग्लोटिस को इधर घूमना चाहिए कि खाना इधर चला जाए, और आप तो किसी और को सोच रहे थे, भाई एपिग्लोटिस घूम गया उधर और खाना चला गया इधर फेफड़ा की ओर। और जैसे खाना फेफड़ा में उतरने के लिए जाता है ना, फेफड़ा कहते रे रे ये क्या कर रहा है रे, धाम से मार देता है फेफड़ा, इधर कहाँ आ रहा है, तुम्हारा एरिया है, इधर सब हवा वाला एरिया, खाना आएगा तो फंस ये जाएगा रे, भाग भाग। जैसे वो ढकेलता है वैसे तो हिचकी आने लगता है, अब फेफड़ा सबको हल्ला कर देते, रे 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 इधर आ रहा था, इधर आ रहा, ढकेल ढकेल ढकेल, वही सब दम लगा के हंचा, तो हर दो मिनट कैसे, अब फिर फेफड़ा देखते हैं गया कि नहीं, गया कि नहीं, तो थोड़ा थोड़ा खाना दिखेगा ना, कहे हाय हाय ढकेल ढकेल, ऐसे ढकेलिएगा, जब तक यहाँ थोड़ा सा भी खाना दिखेगा सब ढकेगा लेगा, सब कर ढकेल ढकेल, बकलेलवा कहेंगे इधर आ रहा है यहाँ पे, इसलिए आदमी पानी पी लेता है, सब खाना चला जाता है, फेफड़ा देखते हैं गई लो
चलिए आप तो सोचिए क्यों हिचकी जाती है समझ में आ, कभी कभी खाना सरक जाता है, कभी कभी धड़ाड़ा के घुस गया फेफड़े में तो वही सरक जाता है, नाक ओक से आदमी फेंक देता है खाना वाना। अगर हवा वाले में खाना घुस गया इपिग्लोटिक्स के बंद होने से पहले, इपिग्लोटिक्स के बंद होने से पहले अगर खाना घुस गया एयर वाले में तो सरक जाएगा, समझ में आ गया। अब सोचिए हम लोग किसी को याद कर रहे थे इसलिए आ रही थी हिचकी, और हम उल्टा बोलते हैं कि हमको कोई याद कर रहा था, अलग बात है, तो उल्टा ना हम बोलते हैं, तो हिचकी क्यों आता है समझ में आ गया।